आपको बता रहे हैं, आरक्षक पद की भर्ती निरस्त की गई है। डीजीएम पीएम अवस्थी ने ये पत्र जारी किया है। साथ ही विधि विभाग की आपत्ति के बाद ये भर्ती निरस्त की गई है। आपको खबर बता रहे हैं, दो पदों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया जो है शारीरिक दक्षता और परीक्षा लेने के बाद की गई। निराश इस फैसले से अभ्यर्थी आक्रोशित हो गए हैं और उग्र आंदोलन करने की यहां पर चेतावनी दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2,259 पदों के लिए प्रक्रिया निरस्त की गई है। फैसले से अभ्यर्थी जो है आक्रोशित है, प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहे हैं। आरक्षक पद की ये भर्ती थी जिसे निरस्त कर दिया गया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्या, क्या कुछ था पूरा मामला और ये क्यों निरस्त की गई है भर्तियां? जी देखिए, ये पूरा मामला 2017 का है जहां पे भर्ती पद निकाला गया था। 259 पद पे भर्ती था जिसमें शारीरिक दक्षता और इसमें लिखित परीक्षा होने के बावजूद इसको विधि न्याय संगत बताते हुए इसको निरस्त किया गया है। और डीजीपी डीएम अवस्थी ने आज लेटर जारी करके इसको निरस्त घोषित किया है। इससे जो प्रार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो बहुत आक्रोशित हैं और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। और बता दें कि इसके पहले भी वो इसके मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। 10 दिन तक रावण भाटा मैदान में धरना पर बैठे हुए थे। उस दौरान इनको आश्वासन दिया गया था कि जल्दी इसमें निराकरण कराया जाएगा। कितना समय हो गया यहाँ पर सत्या, जब आश्वासन दिया गया था, जब इन्होंने धरना दिया था? जी अभी पिछले महीने की बात है कि जब ये धरने पे बैठे थे तो यहाँ पे तमाम नेता पहुंचे, तो तमाम विपक्ष के और पक्ष के नेता वहाँ पहुंचे। वहाँ आश्वासन दिया गया था कि इसमें जल्द ही निराकरण कराया गया। और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि इसमें ये मामला कोर्ट में भी गया था, तो वहाँ आदेश हुआ था कि 60 दिन के अंदर इसमें फैसला करना है, लेकिन कोर्ट का भी यहाँ मानना हुआ था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उस जानकारी को साझा करने के लिए सत्या।